I hope you all are doing good. Today I have come with a new chapter's notes, Nafe ke Chakkar mein from class 9 Karnataka. Explanation of the same chapter I have already uploaded. You can take the link from the description box. Here the first main is ek vakya mein uttar likhiye, answer in one sentences. First, kisko nariyal khane ka man hua? Who felt like eating coconut? Answer, Babu bhai ko nariyal khane ka man hua. Babu bhai felt like eating coconut. Second, bazaar mein log kya kar rahe the? What were people doing in the market? Answer, bazaar mein log apne apne kamon mein lage the. People in the market were busy in their own work. Next, bazaar mein nariyal wale ne babu bhai ko kahan jane ke liye kaha? Where did the coconut seller ask Babu Bhai to go? Answer, bazaar mein nariyal wale ne Babu Bhai ko mandi jane ke liye kaha. Coconut seller asked Babu Bhai to go to mandi. Mandi is also a market, okay? It is a market. Then next, 50 paise mein nariyal kahan milne wale the? Where were the coconuts going to get for 50 paise? Answer, 50 पैसे में नारियल बंदरगाह पर मिलने वाले थे. कोकोनट्स फॉर 50 पैसे वेर टू बी फाउंड एट पोर्ट. नेक्स्ट, कितने पैसे बचाने की सोच से बाबू भाई में फुर्ती आ गई. द थॉट ऑफ सेविंग हाउ मच मनी डिड बाबू भाई गॉट एनर्जी. आंसर, 25 पैसे बचाने की ख्याल से बाबू भाई में फुर्ती आ गई. द थॉट ऑफ सेविंग 25 पैसे ब्रॉट एनर्जी इन बाबू भाई. नेक्स्ट, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा. फ्रॉम होम डिड बाबू भाई आस्क फॉर फ्री कोकोनट. आंसर, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल माली से मांगा. ही आस्क्ड फ्री कोकोनट फ्रॉम गार्डनर. देन नेक्स्ट, घुड़सवार ने कितने रुपए देने की बात कही. हाउ मच मनी डिड हॉर्स मैन टोल्ड टू गिव. आंसर, घुड़सवार ने 100 रुपये देने की बात की. ही टोल्ड टू गिव 100 रुपीस. नेक्स्ट, ऊंट सवार ने कितने पैसे देने की बात कही. हाउ मच मनी डिड कैमल्स मास्टर टोल्ड टू गिव. आंसर, ऊंट सवार ने 200 रुपये देने की बात कही. ही टोल्ड टू गिव 200 रुपीस. देन नेक्स्ट मेन इज दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए, आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, नारियल को झट से छीन कर बाबू भाई से नारियल वाले ने क्या कहा. वॉट डिड कोकोनट मैन सेड टू बाबू भाई आफ्टर स्नैचिंग कोकोनट फ्रॉम हिम. आंसर, बाबू भाई से नारियल छीन कर नारियल वाले ने कहा, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए. सो आफ्टर स्नैचिंग फ्रॉम बाबू भाई, कोकोनट मैन सेड टू हिम, सॉरी ब्रदर, 1 रुपी और नथिंग, यू मे गो टू द पोर्ट एंड फाइंड फॉर 50 पैसे. सेकेंड वन, बाबू भाई मन ही मन क्या सोचने लगे. वॉट डिड बाबू भाई थिंक इन हिज माइंड. आंसर, बाबू भाई मन ही मन सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे होते हैं, वैसे भी अभी मेरे टांगों में दम है. सो बाबू भाई थॉट 50 पैसे इज अ गुड अमाउंट. एनी वे आई हैव स्ट्रेंथ इन माई लेग्स. नेक्स्ट, नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया. हाउ डिड बाबू भाई रिक्वेस्टेड बोट्स मैन टू गिव कोकोनट फॉर 25 पैसे. आंसर, बाबू भाई ने नाव वाले से आग्रह किया कि 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ 25 पैसे दूंगा. इतनी दूर से पैदल आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मेरी मेहनत बेकार हो गई. सो बाबू भाई रिक्वेस्टेड द बोट्स मैन बाई सेइंग, 50 पैसे इज टू मच, आई विल गिव यू ओनली 25 पैसे. आई हैव कम सो फार ऑन फूट. आई एम वेरी टायर्ड नाउ एंड ऑल माई हार्ड वर्क इज वेस्टेड. ओके, देन नेक्स्ट इज, बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी. फ्रॉम होम डिड बाबू भाई आस्क फॉर हेल्प. आंसर, बाबू भाई ने 3 लोगों से मदद मांगी.
पहले माली से विनती की, फिर ऊंट वाले से मदद मांगी और अंत में घुड़सवार से मदद की गुहार लगाई। ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम थ्री पीपल। फर्स्ट ही रिक्वेस्टेड द गार्डनर, सेकेंड आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द मास्टर ऑफ कैमल, एंड थर्ड रिक्वेस्टेड द हॉर्स मैन टू हेल्प। नेक्स्ट मैंने जोड़ कर लिखिए मैचअप। बाबू भाई नारियल, माली बगीचा, हे भगवान 25 पैसे पसीना, ऊंट वाला 2 रुपये 200 रुपये, घुड़सवार 100 रुपये। देन नेक्स्ट मेन इज विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट। दिन रात मीन्स डे एंड नाइट। सेकेंड मीठा कड़वा, स्वीट बिटर, छोटी बड़ी, स्मॉल बिग, बहुत कम, मोर लेस, सही गलत, राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, गुड बैड, दूर पास, नियर फार, फार नियर, जवाब सवाल, आंसर क्वेश्चन, सामने पीछे, फ्रंट बैक, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, खरीदना बेचना, बाय सेल। देन नेक्स्ट बेन इज अन्य वचन रूप लिखिए। हियर यू हैव टू राइट अनदर फॉर्म मीन्स इफ सिंगुलर इज गिवन यू हैव टू राइट प्लूरल एंड इफ प्लूरल इज गिवन यू हैव टू राइट सिंगुलर। इन सम वर्ड्स आंसर विल बी सेम लाइक घर घर। इन सिंगुलर ऑल्सो वी से घर एंड इन प्लूरल ऑल्सो वी से घर। जूता जूते, रुपया रुपये, पैसा पैसे, आवाज़ आवाज़ें, बात बातें, पेड़ पेड़, नज़र नज़रें, घोड़ा घोड़े। देन नेक्स्ट मेन इज अन्य लिंग रूप लिखिए। हियर यू हैव टू चेंज द जेंडर। इफ मैस्कुलाइन इज गिवन यू हैव टू राइट फेमिनाइन एंड इफ फेमिनाइन इज गिवन यू हैव टू राइट मैस्कुलाइन। भाई बहन, काका काकी, माली मालिन, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, बाप माँ। देन नेक्स्ट मेन इज पाठ में वाला परसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे नारियल वाला, नाव वाला, ऊंट वाला आदि। वाला परसर्ग जोड़ कर रिक्त स्थान भरिए। सी हियर वाला इज यूज इन दी वर्ड्स लाइक नारियल वाला, नाव वाला, ऊंट वाला, तो वाला इज एडेड। सो यू हियर यू हैव टू फिल द गैप बाई एडिंग वाला। सो फर्स्ट वन इज काम वाली आज काम पर नहीं आई, इन ब्रैकेट काम इज गिवन। सो यू हैव टू राइट वाली और वाला और वाले, वॉट एवर द क्वेश्चन डिमांड्स अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ऐड। सो हियर वी आर राइटिंग वाली। वाई वी आर राइटिंग वाली हियर? बिकॉज इट इज़ अ स्त्रीलिंग रूप। ओके, स्त्रीलिंग रूप, फीमेल रूप। एंड वी विल राइट वाला वेन इट इज़ अ पुल्लिंग रूप। ओके, एंड वेन बहुवचन इज आस्क देन वी विल राइट वाले। वाला वाली नहीं लिखना है, वाले, वेन इन बहुवचन रूप। ओके, काम वाली आज काम पर नहीं आई, इट मीन्स द मेड डिड नॉट कम टू वर्क टुडे। देन सेकेंड, आज गीत गाने वाले बहुत हो गए, टुडे वी हैव मैनी सिंगर्स। सी हियर बहुवचन इज देयर, सो वी हैव रिटन वाले। नेक्स्ट, गहरी नींद सोने वाले जल्दी जागते नहीं, डीप स्लीपर्स डू नॉट वेक अप अर्ली। हेयर ऑल्सो बहुवचन रूप इज देयर, प्लूरल फॉर्म, सो वी आर राइटिंग वाले। देन नेक्स्ट, अच्छा परिणाम चाहने वाला परिश्रम करता है, दोज हु वॉन्ट गुड रिजल्ट वर्क हार्ड। हेयर वी हैव रिटन वाला बिकॉज इट इज एक वचन रूप, एक वचन सिंगुलर, सो वी हैव रिटन वाला, सिंगुलर एंड मेल फॉर्म, पुल्लिंग फॉर्म, सो वाला। नेक्स्ट, संतुलित आहार खाने वाला स्वस्थ रहता है, हेयर ऑल्सो एक वचन सिंगुलर एंड रहता है मीन्स इट इज टेलिंग टू अ मेल, पुलिंग, पुलिंग रूप है, तो वाला आएगा। देन नेक्स्ट इज बाबू भाई के नारियल खरीदने का सौदा कितने रुपए से लेकर कहाँ तक आ पहुँचा।
Here a table is given. You have to write in order from how much money Babu Bhai bargained and till where he bargained. So, पहली बार बाजार में नारियल वाले से 2 रुपए. First time he bargained from coconut seller for ₹2. दूसरी बार मंडी में नारियल वाले से 1 रुपया. Second time he bargained from coconut seller for ₹1. Third time, तीसरी बार बंदरगाह पर नाव वाले से 50 पैसे. Third time he bargained from boatsman for 50 पैसे. चौथी बार बगीचे में माली से 25 पैसे. Fourth time he bargained from gardener for 25 पैसे. पांचवी बार पेड़ पर माली से मुफ्त में. Fifth time he bargained again from gardener for free. Okay? Then next main, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. Here you have to translate in Kannada. First one, घर में तो एक भी नारियल नहीं था. I will dictate the answer, you write it. So the answer for the first one is, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. I repeat, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Second one, ಯಹಾಂ ಸೇ ಥೋಡಿ ದೂರ್ ಜೋ ಮಂಡಿ ಹೇ ವಹಾಂ ಶಾಯದ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಗಬಹುದು. I repeat, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಗಬಹುದು. Next, ಇತನಿ ದೂರ ಸೇ ಪೈದಲ್ ಆಯಾ ಹೂ. ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. I repeat, ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಬಾಬು ಭಾಯಿನೇ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಪೇಡ್ ಪರ್ ಚಡನ ಶುರು ಕಿಯಾ. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಸರಸರನೆ ಮರ ಹತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಸರಸರನೆ ಮರ ಹತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಬಾಬು ಭಾಯಿನೇ ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ ಪಕಡ್ ಲಿಯಾ. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಬಾಬು ಭಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಸ್, ಪಾಠ ಮೇ ನಾಜಿ ನಾ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಹುವಾ ಹೇ ಯಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವ ಕೋ ಸೂಚಿತ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ವೈಸೆ ಹಿ ಹಾ ಜಿ ಹಾ ಶಬ್ದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವ ಕೋ ಸೂಚಿತ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ತಾಲಿಕಾ ಮೇ ಕುಚ ವಾಕ್ಯ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಹೇ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಸೋಚ ಕರ್ ಇನ್ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ಲಿಖಿಯೆ. ಸೀ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ಅ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್. Yes and no, both the words are used. The word no denotes negative sentence and yes denotes positive sentence. Okay, so you have to see the sentence and write whether it is a positive positive sentence or a negative sentence. So first is, main pustak padhna chahta hu. Ha ji ha, this is the example which is given. It means that I want to read book. It is a positive sentence. So you are writing haan ji haan. Okay. Second, main dusro ki ninda karta hoon. I criticize others. Na ji na. This is a negative sentence. Third, paryavaran ki raksha karna chahiye. Environment should be protected. Yes, it is a positive sentence. Ped hamare mitra hai. Trees are our friends. Yes, haan ji haan. Next, pariksha mein nakal karna chahiye. You should copy in exams. No, it is a negative sentence. Na ji na. Then next, mata pita ki baat manni hai. We should obey our parents. Yes, it is a positive sentence. Gurujano ka aadar karna hai. Teachers should be respected. Yes, it is a positive sentence. So haan ji haan. Then next main is anurupta. See, anurupta is a type of objective where you have to look at the first pair and accordingly you have to solve the second pair. You have to see the relation in the first pair and same relation you have to apply in the second pair. So here first one is do char. Do char is shabd yugam. Do char is a word combination and apne apne is dvirutti. Dvirutti means a word which is repeated twice. See, apne apne is repeated twice.
So these type of words are known as dvritti. Okay. Second is kaka, kaki, chacha, chachi. Here gender is changed. Uncle, aunt. Then next, maaf, nukta shabd. Mandi, anuswar. See, in maaf, we have a dot below the word. And in mandi, we have a dot above the word. So if it is below the word, then nukta shabd. Then, and if it is above the word, then anuswar. Then next, hey Bhagwan, vismaya bodhak. Kaun? Prashnavachak. See, hey Bhagwan means, oh God. This is an exclamatory sign. And who? When you say who, it is a question mark. It is asking a question. So, Prashnavachak chin. Okay. So, here we have completed all the mains. I think one more main is remaining. Yes, here. Part mein se dvitva shabdo ko dhoond kar likhe. This is the last main of the chapter. Here again in the chapter, see, we have many dvirukti words. You have to search and write. Like meetha meetha, dekhte poochte, apne apne, munshi unchi, hakke bakke, jaldi jaldi, chadte chadte, zor zor, hare hare, pasina pasina. These words you will get in the chapter. So from the chapter only you have to take and write. And finally we have completed all the mains. I hope I have provided satisfactory answers. You are satisfied with the answer. If you want more such notes, then hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you.